वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नासिर बात कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाली गैर कानूनी तकर्रियों और तैनातियों के हवाले से। पंजाब असम्बली की जो कायमा कमेटी है उसकी एक प्रोब रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँ इसका एक एक सफ़ा हम पढ़ना शुरू कर दें, एक एक इल्ज़ाम के ऊपर बहस शुरू कर दी जाए, क्या हुआ, कहाँ पर बेकायदगियाँ हो रही हैं, और अगर बाकी चीज़ों पर यहाँ पर डॉक्टर मियाँ आफ्ताब साहब मौजूद हैं, वो कहते हैं मैं फाइनेंशियल स्कैम भी डिस्कस करना चाहता हूँ, उस पर करना शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि एक लंबी चौड़ी एक फहरिस्त शुरू हो जाएगी। मकसद पंजाब यूनिवर्सिटी को, जामिया पंजाब को यहाँ पर बदनाम करना नहीं है, मकसद ये है कि अगर एक चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पर मेयर सईद अख्तर साहब भी मौजूद हैं, मियाँ आफ्ताब डॉक्टर मियाँ आफ्ताब साहब भी मौजूद है, अकमल सोमर भी मौजूद है, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचना होगा कि मेयर साहब, जैसे आपने जिस दर्द दिल का मुजाहरा किया प्रोग्राम के शुरू में, आपने कहा कि मेरा दिल दुखता है, मेरा भी दिल दुखता है, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे भी अफसोस होता है ऐसी चीज़ों पर, आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात है। बस मेरे ख्याल में ये वो बुनियादी बात है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, और जो अरबाब अख्तियार हैं, चांसलर हैं, प्रो चांसलर चीफ मिनिस्टर साहब हैं और HEC है, ये वो इदारे हैं मेरी नज़र में नंबर वन, इनको देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ की फंक्शनिंग में आखिर इतना लूपहोल क्यों है। सही। और उसका मैं जो समझा हूँ वो ये है, ये जो स्वाबदीदी अख्तियार हैं इनका इस्तेमाल सही नहीं होता, इसको देखा जाना चाहिए जहाँ वो इस्तेमाल हुआ है क्या वो सही है या गलत है, क्या उसके बाद उसको 6 महीने में सिंडिकेट में ले जाया गया है या नहीं ले जाया गया, आगे क्या हो। बिल्कुल आसान सी बात है और वो ये है, एक गवर्नेंस का इशू है असल में। HEC देखें या चीफ मिनिस्टर साहब देखें या चांसलर साहब देखें कि काम मेरिट से हट के क्यों आखिर होते हैं, तकर्री तैनाती तो होनी होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ इस वक्त हाउसिंग कमीशन ने ये इजाज़त दी है कि PhD प्रोफेसर जो रिटायर होगा उसको रिहायर किया जाएगा जी। उसकी वजह बड़ी वाजह है, हमारे पास PhDs नहीं हैं, बहुत थोड़े PhDs हैं इस वक्त, 17,000 में से सिर्फ 3,3200 PhD हैं, बाकी नॉन PhD हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जबकि इसके मुकाबले में जो बाहर की दुनिया में है वहाँ 9 PhD यूनिवर्सिटी में होते ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं उसका, तसव्वुर ही नहीं होते हैं, तो वो टीचर असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, चुनांचे इसी की बिना पर मुझे मालूम है और ये भी हमारी डिमांड पे हुआ है कि जो प्रोफेसर PhD हो वो रिटायर हो रहा हो तो उसको लास्ट पे ड्रॉन पे रिहायर कर लिया जाए। अब यहाँ क्या हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो उनकी पसंद के हैं वो हो रहे हैं। अच्छा, जो डॉक्टर आसिफ सईद रिटायर हुए मौसम गर्मा की तातीला से पहले, मैं वैसे उनको मिला, मैंने कहा जी ये बहुत लायक प्रोफेसर है, 50 रिसर्च आर्टिकल हैं इसके, हम इसको रिहायर कर लें। कहने के ठीक है कर लेंगे। एक महीने के बाद मैं कहता रहा, कहने के ऐसा करते हैं छुट्टियों की तनख्वाह बचा लेते हैं और छुट्टियों के बाद अपॉइंट कर देंगे। मैं बहुत अच्छा है, सही, मतलब जायज बात है जो, ठीक है। जब छुट्टियां ख़त्म हो गई तो कहने नहीं ज़रूरत नहीं है, उसके बाद लिस्ट ऑफ पीपल इज देयर कि जिनको रिहायर कर लिया। मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें मेरिट पर होनी चाहिए, इंसाफ पर होनी चाहिए, और ये कहना बहुत आसान होता है, ये कहना बहुत आसान होता है वो जी ये डिपार्टमेंट वाले नहीं चाहते या वो जी ये तो हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता ऐसी बात है, मेरे ख्याल में जब एक पॉलिसी आ गई हुई है और PhD की हमें जरूरत है, आप क्या समझते हैं आफ्ताब साहब, किन किन चीज़ों पे इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए जी, इंक्वायरी हो चुकी है जी, इसको अब लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ इसका रिजल्ट आना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, अगर ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर्स लोगों के जॉब्स के मुतालिक चलते हैं, इतनी इलीगैलिटीज अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है पहले ही आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जी। आप उसको और बिगाड़ते जाएंगे। अब बड़ा गौर से देखिए, एक मंसूर सर्वर साहब है, उनका ना सर्वर स्ट्रक्चर है ना कोई चीज़ है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाते हैं, कभी वो ट्रेनर ट्रैक पे चले जाते हैं, कभी उनको बना दिया जाता है, डीन्स गायब हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से क्योंकि मसूफ किसी का नाम नहीं भेजते सीनियर टीचर्स का। देखिए हायरार्की तब चलती है जब सारे जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो आप समझते हैं कि खसूसी कमेटी बननी चाहिए जो पूरे के पूरे मामलात का जायजा ले और इन मामलात को ठीक करे। नहीं जी, मैं कमेटी से बल्कि तो ये प्रोब रिपोर्ट जो इसी पर ही अमल दरामद हो जाए, इसी पे अमल दरामद होना चाहिए जी। अकमल, इसका बेहतरीन हल यही है कि जो यूनिवर्सिटी की बॉडी बनी हुई है ना जिसको सिंडिकेट कहते हैं जी, वहाँ पर ये रिपोर्ट जानी चाहिए। सिंडिकेट में एक तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है, दूसरी तरफ आपके कानूनी माहिरीन भी होते हैं उसमें, इवन पॉलिटिशियन भी होते हैं उसमें, जर्नलिस्ट भी होते हैं जो जो पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की है, वहाँ पर इस रिपोर्ट पर बहस की जानी चाहिए
और दूसरे जो हल की बात कर रहे हैं ना कि इसका हल क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियों को या इस तरह के मामलों को रोकने के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी की जब तक टीचर्स पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, 2 साल मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद मैं पिछले 2 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, मैंने जो एक चीज़ देखी है जब तक टीचर्स पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये ठीक नहीं हो सकता। तो देखिए 950 टीचर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, 950 टीचर्स हैं, ये गैर कानूनी तकर्रियों की रिपोर्ट आई है, ये टीचर्स क्या रिएक्शन करते हैं, क्या ये टीचर्स चुप करके बैठ जाते हैं? सिंडिकेट में जानी चाहिए उनको, उनको जो है इस पे बहस करनी चाहिए। और दूसरा टीचर्स की सियासत, दो बातें हुई हैं, बड़ा मुख्तसर बात है, टीचर्स के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में सारी दुनिया में टीचर्स की एसोसिएशंस होती हैं, कैम्ब्रिज में भी है, ऑक्सफोर्ड में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह। एचईसी को नोटिस लेना चाहिए, गवर्नर पंजाब को लेना चाहिए या सिंडिकेट में जानी चाहिए? देखिए मेरी नज़र में जो कमेटी बनी है ये पंजाब असम्बली की कमेटी है, ये सिंडिकेट से ऊपर की कमेटी है। अच्छा। जब ऊपर की कमेटी ने एक काम कर लिया है तो फिर नीचे की कमेटीज में ये चीजें नहीं जाती होती। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है जिस सतह पर देखी जाए। जो इसमें खास बात है मैं वो भी सामने लाना चाहता हूँ, और वो ये है कि असल में प्रोसीजर सही अडॉप्ट नहीं किए गए। प्रोसीजर बहुत ट्रांसपेरेंट मौजूद है, यूनिवर्सिटी की वर्किंग के लिए जिन लोगों ने कैलेंडर बनाया है बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छा है। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये अकमल जो हमारे कह रहे हैं ये सही नहीं कह रहे, हमने कभी बयान नहीं दिया कि फलां पार्टी अच्छी है या फलां बुरी है। हम जो बात कहते हैं मसलन ऐसे क्या करती है, अभी हाल ही में बजट आने वाला था, हमने बजट प्रपोजल दे दिया। वो उस सियासत की बात नहीं कर रहे थे, वो आपस की सियासत की लेवल पे बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है ये चश्म कुशा भी है और इसको हमें इस तरह लेना चाहिए। मेरा एक ओपिनियन है जी, सिंडिकेट को पहले भी पता है सारा, सही, सिंडिकेट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। आई हैव द ऑब्जेक्शंस, मेरे पास इसके प्रूफ भी मौजूद है। चलिए इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मेरे से डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रेसिडेंट यहाँ पर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन यहाँ पर तशरीफ लाए, डॉक्टर मियां आफताब साहब आपका भी शुक्रिया, अकमल सोबरू साहब आपका भी शुक्रिया। ना सिर्फ जो भी किया जाए हमें पंजाब यूनिवर्सिटी की रवायात को जिंदा रखना है, इसके नाम को हमने जिंदा रखना है, ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा मान है, और हमारे इस फ़ख्र को हमारे इस मान को ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुंतजिर हैं, देखते हैं हुकाम इसका चीज़ का क्या नोटिस लेते हैं, क्या इकदाम करते हैं। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ और न्यूज़ ब्रेक की तरफ।